अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस सलाम एंड वेलकम टू सी एस एस नाइन्थ ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम सी एस के मदर से इमेज इंसर्ट करना समझेंगे। तो उसके लिए मैं बैकग्राउंड इमेज दूंगा, तो बॉडी टैग पे आऊंगा। इमेज के लिए, बैकग्राउंड इमेज के लिए मैं टाइप करूंगा बैकग्राउंड इमेज। उसके बाद यूआरएल टाइप करेंगे, यूआरएल से पहले कॉलन याद रखिएगा। फिर स्मॉल ब्रैकेट्स, जिसमें हमें इमेज का नाम एक्सटेंशन से लिखूंगा। टर्मिनेट करेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखिए ये इमेज आ गई, लेकिन ये इमेज रिपीटेड है। ये एक इमेज है जिसको 8 मरतबा रिपीट किया गया है, तो इसकी रिपीटेशन को मैं बंद भी कर सकता हूँ। रिपीटेशन बंद करने के लिए मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड रिपीट टाइप करूँगा। यहाँ पे टाइप करेंगे नो रिपीट। सेव करते हैं, रिफ्रेश। देखिए इमेज हमारी रिपीट नहीं हो रही। हम इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि रिपीट एक्स। सेव करते हैं, रिफ्रेश। सॉरी, अच्छा रिपीट एक्स करना है ना। सेव। ये देखिए हमारी रिपीटेशन एक ही डायरेक्शन में हो रही है। रिपीट हम इसको वाई भी कर सकते हैं। सेव, ये रिपीट वाई। हम इमेज को पोजीशन भी दे सकते हैं। पोजीशन के लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड पोजीशन अब मैं चाहता हूँ कि पोजीशन राइट की तरफ हो। राइट की तरफ कितनी हो, राइट ये हो 2%। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। इमेज ने रिपीट होना, सॉरी रिपीट नहीं होना, इमेज ने राइट की तरफ मूव होना है 2%। ये नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। बैकग्राउंड पोजीशन, यहाँ पे आई मिस किए मैंने। स्पेलिंग का खास ख्याल कीजिएगा HTML में। ये कहाँ गई है ना। ये देखिए हमारी इमेज 2% मूव हो रही है राइट की तरफ। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, इसको मैं करता हूँ 8%। जैकेट कहाँ गई, ये देखिए ये 8% मूव हो रही है। हम अब मैं चाहता हूँ कि ये बॉटम की तरफ मूव हो। उसको मैं पिक्सेल्स में करूँ या परसेंटेज में, जो मेरी मर्ज़ी। आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं 150 पिक्सेल्स मूव करूँगा बॉटम की तरफ इमेज को। रिफ्रेश करते हैं, देखिए 150 पिक्सेल बॉटम की तरफ मूव हो गई है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।